दिनों से चंडीगढ़ में डेरा जमाए सरपंचों को इस बार फिर निराशा हाथ लगी। ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में सरपंच लगातार लामबंद है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री से फाइनल दौर की होने वाली बैठक जैसे ही टली, मानो सरपंच एसोसिएशन में मायूसी छा गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने की आस लगाए बैठे सरपंचों से मिलने मुख्यमंत्री की तरफ से आईपीएस ओपी नरवाल और पब्लिसिटी सेल की अध्यक्ष तरुण भंडारी पहुंचे थे, लेकिन सरपंचों की तो जिद मुख्यमंत्री से मिलने की थी, तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो मुख्यमंत्री से ही मिलेंगे। नाराज सरपंच एसोसिएशन का कहना है कि हमारी अब तक कोई सहमति नहीं बनी है, हम 11 मार्च का मुख्यमंत्री आवास का कार्यक्रम स्थगित करते हैं और अब 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। हमारी कल शाम को भी मीटिंग हुई थी, आज भी वार्ता चली, हमारी किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी है। हमारा जो गांव देहात बचाओ आंदोलन है वो हमारा जारी रहेगा और आपके माध्यम से मैं मेरे साथियों को, सभी सरपंच साथियों को एक बात कहना चाहता हूं कि अपना जो कल करनाल का था सीएम, उसका घेराव था 11 मार्च का, वो हम यहां रहे, हमारी तैयारी हुई, उसको हम स्थगित करते हैं और अपने आंदोलन को जारी रखते हुए हम 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। उस दिन विधानसभा सत्र भी है। अपने अपने गांव देहात बचाओ आंदोलन में सभी सरपंच साथियों से निवेदन है कि कोई साथी प्रस्ताव ना दो, अपने अपने गांव बचाने के लिए अपनी 17 तारीख की तैयारियों में जुटो और अपने अपने गांव बचाने का काम करें। आज वो कह रहे थे बातचीत, लेकिन हमारी सहमति नहीं बनी, तो हम उस बात पे हमारी कोई बात नहीं, हम लोगों की कोई सहमति नहीं बनी उन बातों पर। हमारे जो मुद्दे थे ना, जो हमारे मुद्दे थे ना, उन पे हमारी सहमति नहीं बनी पूर्ण रूप से, इसीलिए नहीं, नहीं ऐसा नहीं है कि सभी बातों, लेकिन जो मेन हमारे राइट टू रिकॉल है, ई टेंडरिंग वगैरह, उन पे हमारी कोई सहमति नहीं बनी। मेन मुद्दे हमारे राइट टू रिकॉल, ई टेंडरिंग प्रणाली है, उन पे हमारी कोई सहमति नहीं बनी। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रवक्ता रफीक हथौड़ी ने कहा कि सरकार ने हमारे सामने 5 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा था, उस पर अधिकारी हमसे सहमति मांग रहे थे, लेकिन हमें वो प्रस्ताव मंजूर नहीं था। हथौड़ी ने कहा कि सभी पंच सरपंचों से निवेदन है कि वो गांव देहात बचाओ आंदोलन में जुड़े और इसे मजबूत करने का काम करें। सारे साथियों ने, सारे एसोसिएशन के जो स्टेट हो रही है, उसने फैसला लिया था कि बिल्कुल इससे 5 लाख से गांव का विकास नहीं होगा। आज मुख्यमंत्री ने समय दिया था मिलने का, आज मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के द्वारा हमसे वार्ता करने का प्रयास किया, हमने उनसे वार्ता की, उसके बाद में ये फैसला लिया गया कि आप हमें लिख कर दो कि इस पर सहमत हो, हम मुख्यमंत्री से मीटिंग अरेंज कराते हैं, उस पर सहमति ना बन करके ये फैसला लिया गया है। आने वाली 17 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के सभी सरपंचों से अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन के साथ में जुड़ने करके और हरियाणा विधानसभा का घेराव करने का। और मिलकर 73वें संविधान 11वीं सूची के अंदर 29 अधिकार पंचायत राज को दे रखे हैं, उधरातल पे हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू नहीं है। गोवा की बात करते हैं वहाँ लागू है, केरला की बात करते हैं वहाँ लागू है, महाराष्ट्र की बात करते हैं वहाँ लागू है वो, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारों राज्य सरकार क्यों नहीं दे रही? जहाँ तक लग रहा है हमें गुमराह करने की कोशिश की गई है, क्योंकि 2 दिन हो गए हमें यहाँ पे बैठा के रखा और उसके बाद में हमें आज ये रिजल्ट दिया है सरकार ने कि आप चले जाओ, कोई मीटिंग नहीं है। हम जो नेगेटिविटी से नहीं आए थे, हम पॉजिटिव विचारों के साथ यहाँ पे आए थे, मीडिया के सामने हमने बयान भी दिए थे कि सीएम साहब से हमारी बात होगी और पॉजिटिव होके हम आए थे कि आपको ये कहा था कि हमें नेगेटिव करने की आप बात ना करें, हम पॉजिटिव विचारों के साथ आज यहाँ आए हैं। पर जो सरकार ने आज हमारे साथ किया है वो बहुत ही गलत कदम उठाया इन्होंने, क्योंकि देखो हम बता नहीं सकते इस चीज को, जो भी है हमने मीटिंग के अंदर जो बातें रखी थी उसमें जो हमारे स्वतंत्र अधिकारों की बातें आई थी वो स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक उस पर कोई चर्चा नहीं की गई। लास्ट में बोले इनको साइड में रखो, वो लास्ट में चर्चा करेंगे, वो लास्ट में चर्चा हुई तो उसके लिए मीटिंग का टाइम मांगा कि उसमें चर्चा करके हम आपको बताएंगे। उसके बाद में भी मीटिंग होती है कि उनपे कोई सहमति नहीं मिली, 5 लाख की सहमति बनी थी और उसके बाद में आज का टाइम दिया था हमें, तो आज हमें कोई मीटिंग का। बता दें कि 1.5 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन ई टेंडरिंग पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला सुलझाने के लिए मैराथन बैठकों का दौर भी चला, पर नतीजा बेअसर रहा। गुरुवार से लेकर शुक्रवार तक का दिन तो मानो यूं था कि मसला अब सुलझ जाएगा, क्योंकि इसमें एंट्री अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हो गई थी। गुरुवार को 5 घंटों की चली बड़ी बैठक में माना जा रहा था कि कुछ बातों पर सहमति बन गई, बाकी पर बन जाएगी,
लेकिन शुक्रवार को सरकार ने जिन नुमाइंदों को बैठक के लिए भेजा उनसे सरपंचों की बातचीत बेनतीजा रही। सरपंच अपनी मांगों पर अड़े हैं, चाहे वो ई टेंडरिंग की मांग हो या फिर सरपंचों को पूर्ण अधिकार दिए जाने का। सरकार से बातचीत बिगड़ी तो अब सरपंचों ने विधानसभा के घेराव का ऐलान कर दिया है। सरपंचों की योजना के मुताबिक 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। सरपंचों का गांव देहात बचाओ आंदोलन जारी रहेगा। करनाल में मुख्यमंत्री आवास का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि 17 मार्च को बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा और इसी दिन सरपंचों ने विधानसभा के घेराव की रणनीति बनाई है। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रविचंद्र की रिपोर्ट।